दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी। और आज मैं आपको 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड के चैप्टर 4 की समरी बयान करके बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेहरान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 में अब्रांता और रेबिका जो है वो जवानी की उम्र में पहुंच गई हैं। उन्हें दूसरे लोगों से मुतारफ करवाने के लिए उर्सुला जो है वो दावत का इंतजाम करती है। वहां पर एक शख्स जिसका नाम पीट्रो क्रिस्पी है, जो कि इटालियन लड़का है, वहां पर एक मुसीकी के साथ जिसे पियोनेला कहते हैं उसे बजाने और रेबिका और अम्रांता को डांस सिखाने के लिए आता है। पिलर टर्नेरा अपने बच्चों के साथ वहां पर मौजूद होती है। पिलर टर्नेरा और अरिलियानो जो है, जोज आर्केडियो का बेटा, वो दोनों जो है उनके दरमियान सेक्सुअल रिलेशनशिप कैम होता है। और पिलर कहती है, पिलर टर्नेरा जो है वो अरिलियानो से कहती है कि वो रेमेडियोस से शादी में उसकी मदद करेगी। रेमेडियोस जो है वो एक कम उम्र बच्ची है जिससे अरिलियानो शादी करना चाहता है। बात आगे बढ़ती है और ये तय पाता है कि अरिलियानो जो है वो रेमेडियोस से शादी करेगा जब तक वो जवान नहीं हो जाती। और बीका की शादी जो है वो पीट्रो क्रिस्पी के साथ जो है वो कर दी करने का कहा जाता है। और इन दोनों के दरमियान इंतहाई गहरा प्यार है और इस गहरे प्यार की वजह से ये कहा जाता है। अम्रांता जो है वो भी इंतहाई ज्यादा प्यार करती है पीट्रो क्रिस्पी के साथ, जो कि एक इटालियन लड़का है जो साज बजाने और इन्हें डांस करने के लिए आता है। तो एक एक जो है वो तकून सी बन गई है इनके दरमियान। दो लड़कियां हैं, एक लड़का है, तो इस तरह के जो है वो ये जो रिलेशनशिप जो जब गहरा होता है रेबिका और पीट्रो क्रिस्पी के दरमियान, तो ये चीज़ जो है वो मायूसी पैदा करती है अम्रांता के दिल में और वो चाहती है कि किस तरह इन दोनों की शादी जो है वो रुक जाए, इन दोनों की शादी ना हो। तो ये जेलसी है जो कि उसके अंदर पैदा होती है और ये एक थीम भी है अनरिक्वेटेड लव का। तो इसी चैप्टर में जो मेलक्विड है, जो कि इजादत लेकर यहाँ पे आता था, उसका इंतकाल हो जाता है और जो आर्केडियो बिंडा जो है वो बड़े ही शानो शौकत के साथ इसे दफन करता है। एक दिन जो पिलर टर्नेरा जो है वो रेबिका के साथ ऐसे बातें कर रही होती है और वो दोनों डिस्कस कर रही होती हैं और रेबिका कहती है कि मेरी जिंदगी से मायूसी, बेचैनी और अजीब वो गरीब जो है वो मैं कहती हरकतें करती हूँ और ये बेचैनी जो है ये मायूसी मेरी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होती, पता नहीं इसकी क्या वजह है। तो वो ये इरादा करती है, सोचती है और इरादा करती है कि उसे अपने वालदैन की हड्डियाँ दफन कर देनी चाहिए जो उनके मरने के वक्त से उसके पास हैं। वो और उसकी ज़िंदगी में मायूसी ला रही हैं, वो कहती है कि वो हड्डियाँ हैं जो उसकी ज़िंदगी में मायूसी ला रही हैं और उसे मिट्टी खाने पर मजबूर करती हैं। ऐसे करने से जो प्रूडेंशियो एगुलिनर जो है वो उसका भूत, जिसे जो आर्केडियो बुंडा ने कत्ल कर दिया था, उसका भूत जो है वो दोबारा से नमूदार हो जाता है। और ये जो भूत है वो बार बार आकर जो आर्केडियो बुंडा को तंग करता है और इस तंग करने की वजह से वो पागल हो जाता है और वो सोचता है कि ये जो टाइम है ये एक परपेचुअल मोशन है जो कि कभी भी जो है वो तब्दील नहीं होता। ज़ाहरी तौर पर तो वक्त हमें चेंज होता दिखाई देता है, लेकिन इसकी मोशन जो है वो एक ऐसे सर्कल की तरह है कि वक्त जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है वो उसी पॉइंट पर दोबारा से आ जाता है। जो हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिवाइज करती है। तो ये वो एक बेहतरीन चीज़ जो है वो राइटर ने इंट्रोड्यूस करवाई कि वक्त तब्दील नहीं होता, वक्त जो है वो हिस्ट्री जो है अपने आप को रिवाइज करती है। तो दोस्तों यही थी चैप्टर 4 की समरी। अगर आपको बेहतर लगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मैं जल्द ही चैप्टर 5 की समरी अपलोड करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।